दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार इसराइल की पोल पट्टी खुलने लगी, इसराइल को दुनिया भर में शर्मसार करने की कोशिश होने लगी और उन्हीं देशों के जरिए अब इसराइल पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। जिन देशों ने इसराइल के कंधे पर अपना हाथ रखा, इसराइल को अपना समर्थन दिया, कदम कदम पर उसके साथ चलने का वादा किया और अब तक उसकी मदद करते आ रहे हैं, चाहे वो जेनोसाइड कर रहा हो, नरसंहार कर रहा हो, चाहे बच्चों को मार रहा हो, चाहे औरतों को मार रहा हो, चाहे मरीजों को मार रहा हो, चाहे बेगुनाह किसी भी आम नागरिक को मार रहा हो। अब तमाम के तमाम नेटो के देश या फिर यूं कहें कि यूरोपियन देश, अब अमेरिका, ये सब इसराइल को कह रहे हैं कि नेतन्याहू बस बहुत हो चुका, अब इसके आगे ठहर जाओ, इसके आगे अब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसराइल ने इस बीच में बहुत कांड कर दिया और वो कांड ऐसा ऐसा किया कि वो पश्चिमी देशों पर ही उल्टा पड़ने लगा, क्योंकि वो निशाना तो फलस्तीनियों को वो बना रहा था, लेबनानीज को बना रहा था, लेकिन जब आंच अपने घर तक आ गई तब पश्चिम उमड़ पड़ा, पश्चिम बेचैन हो गया। वेस्टर्न जो हैं वो अब इसराइल को देख कर आंखें तरेर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई देख, तू जो ये काम कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है और इसका अंजाम फिर सोच लेना, बहुत बुरा होगा। फिर इस टाइप के अंदाज में अब मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, पर सवाल है कि आखिर शुरुआत कैसे हो गई। दोस्तों शुरुआत ऐसे हो गई कि इसराइल को एक आदत लगी हुई है उसको गाजा से, वो गाजा में जिस तरीके से अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, गाजा में जिस तरीके से वो स्कूलों पर बमबारी कर देता है, गाजा में जिस तरह से सरकारी इमारतों पर हमला कर देता है, ठीक उसी तरह यही पैटर्न उसने आजमाना शुरू कर दिया लेबनान के भीतर, राजधानी बैरूत के भीतर। किसी भी देश की आन बान शान जो होती है ना, वो आर्थिक राजधानी नहीं होती, बल्कि उस देश की जो राजनीतिक राजधानी होती है, जो उसकी अपनी राजधानी होती है, उस राजधानी पर ही सब कुछ टिका होता है। अगर उस पर ही सीधे हमला होना शुरू हो जाए तो इसे दुनिया में कहीं भी सराहना नहीं दिया सकता। हालत यह हो गई है कि जिस तरीके से गाजा के भीतर बमबारी करता है, कह देता है कि भाई साहब वो अस्पताल के नीचे ना हमास की टनल है, स्कूल के नीचे हमास की टनल है, स्कूल के नीचे बंकर बना के, अस्पताल के नीचे बंकर बना के हमास वहीं रहता है, वहीं उसका हेडक्वार्टर है। और ठीक यही पैटर्न इसराइल ने, नेतन्याहू ने आजमाना शुरू कर दिया लेबनान के भीतर, बैरूत के भीतर। इन लोगों ने बहुत शोर मचाया, बहुत शोर मचाया कि भाई साहब अस्पताल के नीचे बहुत बड़ा खजाना है और वो सब खजाना हिजबुल्ला का है, उसने बकायदा एक बंकर बना रखा, उस बंकर में सिर्फ सोने चांदी हीरो जवाहरात कैश करेंसी इतनी रखी हुई है कि हजारों करोड़ों की वो करेंसी है। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, इसराइल की तरफ से इशारा होता है, नेतन्याहू पापा की तरफ से इशारा होता है, तो उनके जो लग्गू भग्गू चेले चमचे चपाटी जो घूम रहे हैं ना अलग अलग देशों में मीडिया के तौर पर बनकर, वो तथाकथित पत्रकार बिल्कुल उतावले हो गए, पापा की शान में कसीदे पढ़ने लगे। पापा जो ना कह दें बेटा मानने के लिए तैयार होता है, वो बेटा जो कब से अपने पिता की तलाश कर रहा है, जिसे मालूम नहीं कि उसका पिता कौन है, बस वो इतना देखकर उस शख्स को पिता मान लेता है कि हाँ ये इसराइल उसी कौम पर हमला कर रहा है जिस कौम पर हम हमला करते हैं, जिस कौम को हम बुरा समझते हैं, जिस कौम पर हम निशाना साधते हैं, ये तो वही उसी पर हमला कर रहा था। बस ये तुरंत क्या करते हैं कि उसे अपना पापा मान लेते हैं, पापा 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 नेतन्याहू पापा। गोदी मीडिया ने खूब खबर फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन बात निकलता है फुस, कुछ नहीं होता, झूठ साबित होता है। अमेरिका का बयान भी सामने आ गया कि नहीं भाई सब ऐसा कुछ नहीं है, कोई सबूत वबूत नहीं मिले हैं, अस्पताल के नीचे बंकर, बंकर में खजाना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिला नहीं सबूत हमें। लेकिन दो ऐसे मामले हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और वो तमाम के तमाम देश जो अब तक शांत थे, इसराइल की हां में हां मिला रहे थे, अब उन लोगों ने इसराइल को समझाना शुरू कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, जितना करना था तुमने वो कर लिया, अब अगर इसके आगे कुछ होगा तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, फिर तुम्हें बचाने वाला जो होगा वही झेलेगा तुमको,
इस टाइप के अंदाज में जब बातें शुरू हो गईं, तब पश्चिम के देश, यूरोप के देश इसराइल के खिलाफ आंखें तरेरने लगे। हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है, जिसमें दुनिया भर के देशों के सैनिक मौजूद हैं, वो यूनाइटेड नेशन की सेना यूनिफिल, जिसको शांति सेना कहा जाता है, और लेबनान में जो सेना मौजूद है उसे यूनिफिल कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना पर ही इसराइल ने हमला कर दिया, जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 एपिसोड में इस चीज को दोहरा चुका हूं, बता भी चुका हूं, अपडेट भी दे चुका हूं। यूनिफिल के यानी यूनाइटेड नेशन के शांति सेना का जो टावर था, उस टावर पर निगरानी करने वाले सैनिक होते हैं, उन पर ही टावर पर हमला कर देता है, 2 सैनिक घायल हो जाते हैं और अब घायलों की संख्या बढ़कर 15 तक हो गई है। लेकिन इसराइल ने इसके जवाब में यह कहा कि हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है वो जगह छोड़ दे, वहां से हट जाए, तुम हट जाओ भाई। अब दुनिया भर में इस बात की खलफली हो गई कि भाई तुम वो कौन होते हो कहने वाले, तुम होते कौन हो कहने वाले जो कहो कि संयुक्त राष्ट्र सेना की जो शांति सेना है, संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है वो हट जाए। क्या उसे भी तुमने आम नागरिक समझ रखा है कि भाई तुरंत जगह खाली करो, यहां हिजबुल्ला के लोग रहते हैं, हम उन पर हमला करेंगे, मार गिराएंगे। तो क्या इसराइल ये संदेश देना चाहता है पूरी दुनिया में कि संयुक्त राष्ट्र हिजबुल्ला के साथ मिला हुआ है, हमास के साथ मिला हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र के जहां दफ्तर हैं, संयुक्त राष्ट्र की जहां सेना है, उसमें हिजबुल्ला के लोग हैं या हमास के लोग हैं या उनके बेसमेंट में उनके नीचे जो है क्या टेररिस्ट वहां रहते हैं, आतंकवादी वहां रहते हैं, क्या वहां हिजबुल्ला रहता है, हमास रहता है? इस तरह के तमाम कयास आराइयां शुरू हो गई, लेकिन इसराइल इसका ठोस जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इसराइल चाहता जरूर है कि जगह को खाली कर दिया जाए, पर कोई बात तुक होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। हर जगह इसराइल जो कह देगा वही तो नहीं मान लिया जाएगा। लेबनान की बातें अलग हैं, लेबनान गजा नहीं है, लेबनान ईरान नहीं है, लेबनान मिडल ईस्ट का कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जहां पर कोई हमला कर दे तो पश्चिम के देश शांत बैठ जाएंगे। लेबनान से पश्चिमी देशों का बड़ा ही पुराना तारीखी मामला है, और पश्चिम से ताल्लुक रखने वाले बहुत से नागरिक लेबनान में मौजूद हैं, खासकर फ्रांस के नागरिक वहाँ मौजूद हैं, फ्रांस से जुड़े लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वहाँ अच्छी खासी तादाद में फ्रांसीसी लैंग्वेज बोली जाती है, यानी फ्रेंच भाषा वहाँ बोली जाती है, और वहाँ बड़ी संख्या में अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं, जिसमें ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि अगर ईसाइयों पर खतरा होगा तो जो उससे संबंधित देश हैं, ईसाइयों से संबंधित देश हैं, वो भी इस मामले में दखल देंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ईसाइयों और यहूदियों के बीच में सैकड़ों साल पुराना तनाज़ा है, या फिर यूं कहें कि हज़ारों साल पुराना, और दोनों के बीच में कई बार टकराव भी हो चुका है, लंबे समय तक यहूदियों के ऊपर अत्याचार भी हो चुका है उसी का नतीजे में। लेकिन अगर उस तरह की वारदात अगर फिर शुरू होगी, यानी यहूदी बनाम ईसाइयत, तो फिर क्या होगा, नज़ारा बदल जाएगा। लेकिन अब होता यह है कि यूनाइटेड नेशन के जब शांति सेना पर हमला हुआ तो सबसे पहले इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने आंखें तरेरना शुरू कर दिया, स्पेन जैसे देश ने बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना पर आप कैसे हमला कर सकते हैं। इसराइल के ऊपर सवालों के उंगलियां उठने लगी। लेकिन इस बीच अब यह खबर आ गई है कि इसराइल ने जो 15 सैनिकों को घायल किया है, उनके ऊपर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। अब यह फास्फोरस बम क्या है, इस बारे में हम आपको बता दें कि फास्फोरस की एक क्वालिटी होती है, एक केमिकल यह फास्फोरस है, लैब में ही अक्सर इसकी जांच होती है, और जब लैब में आप लैब के जो छात्र होंगे, मतलब कि जो केमिस्ट्री वगैरह के छात्र रहे होंगे, केमिस्ट्री के, वो इस मामले में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसकी क्वालिटी है, गुण ये है कि अगर ये ऑक्सीजन में आ जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो तुरंत ये सुलग जाता है, जल उड़ता है, इसमें माचिस, चराग, आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन में जैसे ही इसका टुकड़ा, फास्फोरस का टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ये जल उठता है, इसमें धुएं निकलने लगते हैं, फिर उसमें आग लग जाती है। और जब इससे बना हुआ बम जब किसी इलाके पर गिराया जाता है, जब किसी लोग पर, सेना पर गिराया जाता है,
तो ये क्या करता है कि सुलग उठता है, जिस शख्स के बॉडी के संपर्क में आएगा वहां जलन होगी क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है, और उसके बाद आग लग जाएगी। ये इतना खतरनाक है कि इसका असर सांस में अगर चला गया तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर्स की शिकायतें आ जाएंगी और शख्स जो है वो पल भर में उसकी मौत हो जाएगी। इसके साथ ये चमड़ी को जला देता है, गोश्त की परत तक को जला देता है, यानी कि इंसान को जलाकर मारने के ये काम आता है सफेद फास्फोरस। इंटरनेशनल लॉ के तहत अभी इस पर रोक नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है बाद में इस पर रोक लग जाए। अभी ये बैन वेपन के तौर पर नहीं है, लेकिन दुश्मन को इस तरह से टारगेट करने के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि यूनाइटेड नेशन की शांति सेना ने ऐसी कौन सी दुश्मनी कर दी कि यूनाइटेड नेशन यूएन की सेना पर अगर कोई हमला कर रहा है, वो हमला कर रहा है जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है, जिसे ब्रिटेन का समर्थन हासिल है, जिसे जर्मनी का समर्थन हासिल है, और ऐसे बड़े बड़े देशों के तरफ से अगर उसे समर्थन हासिल है और उन समर्थनों के बल पर यूनाइटेड नेशन की जो पीस फोर्स है उसके ऊपर वो हमला कर रहा है, वो भी फास्फोरस बम से हमला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और अब इसकी खबरें आम होने लगी हैं, दुनिया भर में आने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र सेना जो है, संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसमें किसी मुस्लिम देश के तो सैनिक सिर्फ है नहीं, उसमें दुनिया भर के तमाम देशों के सैनिक हैं। और जो शुरू शुरू में जो खबर आई थी, जो दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो निगरानी टावर से नीचे गिर गए थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, वो हमला जिन सैनिकों पर किया गया वो शांति सैनिक तो थे, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक थे, लेकिन वो श्रीलंका के सैनिक थे, श्रीलंका से संबंधित वो सैनिक थे, श्रीलंका की सेना के लोग थे वो, और उनके ऊपर हमला कर दिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू बताया कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी खुद की कोई सेना नहीं होती, बल्कि उसको एक संगठित करने के लिए कई देशों की सेनाएं कुछ कुछ साल के लिए वहां पर तैनात की जाती हैं शांति सैनिक के तौर पर। मसलन अलग अलग रेजिमेंट के लोग होते हैं, अगर किसी खास इलाके में भेजना होता है तो उन्हें अलग अलग रेजिमेंट के तहत अटैच कर दिया जाता है, सेम ऐसा ही तो उसमें अटैच कर दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर किया गया हमला उस देश के ऊपर भी एक तरह से हमला माना जाएगा जिस देश से संबंधित वो सैनिक हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, और जो 15 सैनिक अभी घायल हुए हैं वो किस देश के हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पश्चिम की तरफ से आवाज आनी शुरू हो गई है तो जाहिर सी बात है वो पश्चिमी देशों के सैनिक होंगे। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान और सऊदी अरब दोनों बेहद करीब आ रहे हैं और दोनों वॉर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बकायदा अब तक तो मैंने यही सुना कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है तैयारी कर चुके हों। लेकिन दोनों देशों के बीच में इस तरह के रिश्ते सामान्य होना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। मत भूलिए कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, और उस ग्रेटर इसराइल में अरब के देश भी शामिल हैं, सऊदी अरब का भी हिस्सा है, ईरान भी वो लेगा, तुर्की भी वो लेगा। तुर्की पहले से चिल्लाता है कि ये हमला सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह हम पर भी हमला होगा। और अभी बीच में ये सुनने में आया हाल ही में कि वहां भी उनके हथियार फैक्ट्रियों के ऊपर हमला कर दिया गया, जब ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नए नए खलीफतुल इस्लाम सो कॉल्ड रजब तैयब एर्दोगान ब्रिक्स में सम्मेलन में पहुंचे थे, तभी उनके पीठ पीछे जो है आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दी थी, जिसके बाद आधी अधूरी मीटिंग छोड़ करके वो चले आए। तो खैर, तुर्की भी इस बात को कह रहा है कि हमारे पे भी हमला होगा, अगला निशाना हम है, सिर्फ गाजा तक ही मामला नहीं है। तुर्की में हमास के लीडर भी वहीं मौजूद हैं, वहीं रहते भी हैं, उनका इलाज भी होता रहता है, ये बात खुलकर तुर्की सार्वजनिक मंचों पर एक्सेप्ट भी कर चुका है, और वो भी कह चुका है कि वो हमास को टेररिस्ट नहीं मानता, वो फ्रीडम फाइटर मानता है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी उनको मान रहा है। तो ये बातें बहुत दूर तक हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान और सऊदी जिस तरह से एक आ रहे हैं, इससे अमरीका बेचैन है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि कहीं अरब के देश हमसे भी हाथ मिला रहे हैं, हमसे भी हथियार ले रहे हैं,
हम इनको पैसा भी दे रहे तेल के बदले में, लेकिन अगर कहीं इस्लाम के नाम पर, फलस्तीन के नाम पर, मस्जिद अक्सा के नाम पर, बैतुल मुकद्दस के नाम पर अगर कहीं इन लोगों ने पीठ पीछे आपस में हाथ मिला लिया, ईरान के साथ इन लोगों ने कोई सीक्रेट डील कर ली, तो फिर इसराइल के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अब देखिए कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, वो इस वक्त अरब देशों के दौरे पर हैं, वो मिडल ईस्ट के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, और बार बार मिडल ईस्ट का चक्कर लगाना ये हजम नहीं हो रहा है। हालत ये है कि एंटनी ब्लिंकन जिस वक्त तेल अवीव में यानी इसराइल में नेतन्याहू के पास रहते हैं और जहां उनको ठहराया गया होता है, जहां वो रुके होते हैं, उस तेल अवीव में एंटनी ब्लिंकन के पास नजदीक में हिजबुल्ला का ड्रोन नजर आता है। अब आप सोच लीजिए कि इसराइल कितना सेफ है और तेल अवीव कितना सेफ है, खुद नेतन्याहू कितने सेफ हैं और खुद अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कितने सुरक्षित हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जहां पर मौजूद हैं तेल अवीव में, वहां पर हिजबुल्ला का ड्रोन घूमता हुआ पाया गया। तो ऐसे में सवाल है कि भाई साहब वो थाड़ कहां गया, जो भी थाड़ मंगवाया था, एरो एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया, एरो टू, एरो थ्री, और वो एक हवा बना हुआ जिसका आयरन डोम, वो आयरन डोम कत्थे गए हो, कहां गए वो, उसका तो कुछ पता नहीं। यहां ड्रोन आ रहा है छाती तान के घूम रहा है सीने पर, और ब्लिंकन को ये समझा के जा रहा है कि सिर्फ तुम्हारा पाला हुआ गुंडा नेतन्याहू या इसराइल ही सुरक्षित नहीं है हमारे हमलों से, तुम भी सुरक्षित नहीं हो। और ये समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा में काफी है कि भाई जहां आप हो, एक देश का सुपर पावर, देश का विदेश मंत्री जहां ठहरा हो, यह माना जाता है कि वो देश खुद आया हुआ है चलकर। तो अमेरिका जैसे देश को डराया जा रहा है हिजबुल्ला के ड्रोन के जरिए, और कौन डरा रहा है, हिजबुल्ला डरा रहा है, ड्रोन हिजबुल्ला का, तो हिजबुल्ला का ड्रोन ही है। तो ऐसे में ये एक बड़ा ही बदलाव वाले माहौल देखने को मिल रहे हैं। अब अमेरिका भी चाहता है कि बस शांति, अमेरिका भी कह रहा है कि जितनी जल्दी हो शांति हो जाए। आपने बैरूत में पेजर अटैक किया, चलो कोई बात नहीं, आपने आतंकवाद के नाम पर कर लिया, हसन नसरुल्ला को मार दिया, उनके भाई का भी कत्ल कर दिया, याया सिनवार को मार दिया, और उनसे पहले इस्माइल हानिया कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या सारे सीनियर लीडर तो मारे गए जो इनके लिए दुश्मन थे, अमरीका इसराइल के लिए दुश्मन थे। तो अब शांति की पहल कीजिए, और इसके लिए बकायदा इसराइल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब यह दबाव किसी दिन एक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि जिन देशों के ऊपर, जिन देशों के सैनिकों के ऊपर इन्होंने सफेद फास्फोरस गिराया है, व्हाइट फास्फोरस बम गिराया है, वो तो झुलस गए, उनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल हो गया, लेकिन उन देशों पर भी तो यह हमला माना जाएगा, क्योंकि वो नाटो के सदस्य देश भी हैं, और नाटो के सदस्य देशों ने जो है अब इनको आगे दिखाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो गोदी मीडिया ने बम को लेकर अफवाह फैलाया था, उसका अगर पोस्टमार्टम अगर किया जाए, तो आप देखिए कि गोदी मीडिया ने किस तरह से भ्रामक खबरों का जाल बुनना शुरू किया, प्रोपेगेंडा मीडिया ने कैसे करना शुरू किया। न्यूज 18 इंडिया लिखता है कि मिल गया हिजबुल्ला चीफ का खजाना, बंकर में मिला कैश और सोने का भंडार। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है हिजबुल्ला का खजाना, लेबनान में क्यों बम वर्षा। इंडिया टुडे का आज तक, जिसे आप झूठ तक भी कह सकते हैं, उस आज तक के झूठ तक ने क्या कहा, सामने आया हिजबुल्ला का खजाना उगलने वाला बंकर। हिंदुस्तान लिखता है कई मिलियन का खजाना छुपा रखा है। एनडीटीवी इंडिया लिखता है कि इसराइल के हाथ लगा हिजबुल्ला का गुप्त खजाना। और भी मीडिया चैनल्स जो हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से दावा करना शुरू कर दिया कि हिजबुल्ला के बंकर में इसराइल को मिला गुप्त खजाना, डॉलर और सोना देख फटी रह गई आंखें। फिर एक साहब ने लिखा, एक चैनल ने लिखा कि अस्पताल के नीचे बंकर, बंकर में 4,000 करोड़ का खजाना। जी न्यूज ने लिखा कि करोड़ों डॉलर कैश, ढेर सारा सोना, इसराइल ने ढूंढ निकाला हिजबुल्ला के सीक्रेट बंकर में छिपा खजाना, देखिए वीडियो।
तो इस तरह से गोदी मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, एजेंडा फैलाया। और जब बात आगे बढ़ी तो अमरीकी विदेश सचिव जो लॉर्ड ऑस्टिन है, उन्होंने सीधे कहा कि अमेरिका ने बैरूत हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्ला की नकदी बंकर का कोई सबूत नहीं मिला, यानी वो खजाना नहीं मिला जिसके दावे मीडिया में किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। आप मत भूलिए कि हिजबुल्ला के साथ ये जंग आसान नहीं। क्यों? हिजबुल्ला एक बड़े पैमाने पर संगठित एक मिलिट्री फोर्स है। ये लड़ाई लेबनान के भीतर जो चल रही है वो हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में है, लेकिन इन लोगों ने अपनी हरकतों से कुछ सीखा नहीं है। इसराइल ने क्या किया कि लेबनान के सैनिकों पर भी हमला कर दिया, जिसमें 3 सैनिक मारे भी गए, कुछ घायल भी हुए हैं, उनके ट्रक पर भी हमला कर दिया। बाद में थोड़ी सी अपनी दिखा दी कि भाई गलती हो गई या खेद जता दिया, इस टाइप की हरकतें वहां ये कर रहे हैं, पर दुनिया देख रही है। और लेबनान पश्चिमी देशों का थोड़ा सा दुलारा भी माना जाता है, क्योंकि वहां पश्चिमी देशों के बहुत सारे हित वहां पे हैं। इसलिए लेबनान पर हमला करके इसराइल ने ठीक नहीं किया। दूसरी चीज, फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया है बकायदा कि जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है उसके ऊपर जो सफेद फास्फोरस गिराया गया है, इससे 15 लोगों के घायल हुए हैं, और ये सफेद फास्फोरस ही है। इस बात का खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है, जिसे देश और विदेश की अलग अलग मीडिया हाउसेज ने उसके हवाले से इन खबरों को चलाया है। लेकिन वहां जो मौजूद जो मीडिया हाउसेज हैं उनको पहले से ही मालूम था, उन लोगों ने बहुत पहले भी गाजा में इस तरह के हालात देखे थे और वो लोग इस तरह से इल्ज़ाम लगाते रहे थे। लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल टाइम्स इस तरह की भाषा बोल रहा है, बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा द गार्जियन के बारे में मैंने आपको बताया था ही कि गार्जियन किस तरह से खुलासा कर रहा है, कैसे वो बता रहा है कि इसराइल जो है ह्यूमन शील्ड बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बंदूक की नोक पर जासूसी करने के लिए कहता है, कहता है कि बंकर के अंदर जा, घर के अंदर जा, वहाँ कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, घर के मालिक का नाम क्या है, कैसे हैं, उन सारे बारे में बताओ, कुछ नहीं होता तो पीछे उस पूरे घर को उड़ा देते हैं। इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में यह भी बताया कि किस तरीके से ये लोग फलस्तीन के लोगों पर गन तान करके कहते हैं हमास के लड़ाकों से कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें वरना वो उस फलस्तीनी को मार देंगे, यानी ब्लैकमेल टाइप का। ये समझाने की कोशिश की, देखो तू भी फलस्तीनी, ये भी फलस्तीनी, इन्हीं की आज़ादी के लिए तू लड़ रहा है और ये हमारे कब्जे में है, हम इसे गोली मार देंगे, इससे पहले कि हम इसे गोली मारें तू बाहर आ जा, अपने आप को सरेंडर कर दे। इस आधार पर इन लोगों ने कुछ सैनिकों का, यानी कुछ हमास के जो सोल्जर्स हैं, हमास के जो फाइटर्स हैं, उनको भी मारा है। तो ये दुनिया की सुपर पावर सेना है, इसराइल की सेना है, जो आम लोगों पर, निहत्थों पर बम गिराते हैं, बंदूक तानते हैं, उन पर बंदूक तान करके दूसरों पर निशाना साधते हैं, उनका कत्ल गारत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बहादुर के किस्से जिन देशों के बारे में कहे जाते हैं, ये है उनकी सच्चाई। और अब पश्चिमी देश इसराइल को समझा रहे हैं कि मुन्ना जो होना तो हो गया, अब तुमने बहुत रायता फैला लिया, अब बस बंद करो, क्योंकि अब तुम हमारे ही गर्दन पर चढ़ रहे हो, हमारे ही लोगों पर, हमारे ही सजाए बसाए पहुंचाए गए लोगों पर तुम अटैक कर रहे हो, ये काम ठीक नहीं है। गाजा के भीतर इन्होंने लगातार स्कूलों पर हमला अपना जारी रखा है, आम लोगों को ये बार बार निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन रोजाना इनके सैनिक मारे जा रहे हैं। जुमरात की रोज ये होता है कि इनके 5 सैनिक हिजबुल्ला से लड़ते हुए स्वाहा हो गए, मारे गए। हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों के पास अगर एयर डिफेंस फोर्स हो, या इनके पास अगर एयर फोर्स की ताकत हो, तो सोच लीजिए इसराइल कब का फलस्तीन छोड़कर ही भाग जाएगा, जाकर के उन्हीं पश्चिमी देशों के गोद में जाकर वापस बैठ जाएगा और कहेगा कि भाई हमें फलस्तीन में जाकर के अपना अलग देश नहीं बनाना, हम जहां हैं, जहां थे, अब वापस हम वहीं आ गए, हम यहीं रहेंगे। तो इसराइल तो एक मिलिट्री बेस है पश्चिमी देशों का, वरना कोई देश तो है नहीं। दुनिया कहती है वो देश है, लेकिन वो देश तो है नहीं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अब
बड़े बड़े देशों की तरफ से और खुद अमेरिका की तरफ से शांति के लिए कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बस अब बहुत हो चुका, शांति रखो। और सबसे खतरनाक काम इसमें हो गया जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की जो सेना है, संयुक्त राष्ट्र सेना पे इन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद अब दुनिया के विचार बदल गए हैं, दुनिया के ख्यालात बदल गए हैं। अब सब ही एक ड्रैकुला के तौर पर इसराइल को देख रहे हैं, एक भयानक राक्षस के तौर पर नेतन्याहू को देख रहे हैं और उनकी अब छवि बनानी शुरू कर दी गई है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।